गुड मॉर्निंग साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी फेवरेट क्लास जीरो लेवल की मैथ शुरू हो चुकी है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित। चलिए शुरू करते हैं आज घन और घनमूल। उसके पहले परिंदों को मंजिलें मिलेंगी, यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ये लाइनें कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक आगे लेके चलते हैं। साथियों, ये जो दो लाइनें बोलते हैं वो उसकी तरह काम करता है जैसे सुबह सुबह आप उठ करके उषापान करते हैं। सुना है ना उषापान, मतलब नहीं जानते होंगे तो कमेंट करके बताना, बताएंगे विस्तृत। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल। घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। मतलब इनमें जो है विशेष रिलेशन होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, वो सब आपको दिखाएंगे। देखिए जैसे हमने कहा घन, तो घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, और घनमूल, घनमूल को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। किसी भी संख्या की घात अगर 3 लगा दी जाती है तो यह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे अगर हमने लिख दिया कि 2 का घात 3, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 का घन। घन मतलब लोहार वाला घन नहीं, ये दूसरा घन। अब इसका मान क्या आएगा, इस संख्या को 3 घात लगी है तो 3 बार गुणा करेंगे, फाइनल में 8 आ गया। एकदम बेसिक से चलते हैं हम लोग, कक्षा 8 की मैथ है लेकिन हाँ कक्षा 1 से शुरू करते हैं। कक्षा मीन्स क्लास, ठीक। देखिए तो अब आगे क्या देखने वाले हैं, घन और घनमूल में दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे तो कभी ना भूलेंगे। चलिए जैसे अगर हमने नंबर ले लिया 2 का घन, तो ये आप इसका पोस्टमार्टम करके देख लें एक एक चीज़ को फैला फैला के। 3 घात लगी है मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 दूना 4 दूना 8। कुछ लोग क्या करते हैं गलत फहमी में, वो 2 की घात 3 का मतलब 6 लिख देते हैं। ये सरासर वो अन्याय करते हैं, गलत होता है, ये 6 नहीं होता है। लेकिन अक्सर लोग लिख देते हैं भाई 2 घात 3 लगा मतलब 6 होगा। ये कौन सा नियम है, कहाँ की गणित है पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता है। और आगे देखिएगा, अभी तो पिक्चर बाकी है, ट्रेलर भी तो शुरू हुआ है। घनमूल में क्या करेंगे, ये जो 8 आया है ना, इसी नंबर का उधर क्या करेंगे, अगर घनमूल निकाल देंगे तो फिर 2 आ जाएगा। मतलब ज़मीन से चल के आसमान पर पहुँचे, वहाँ से कूद पड़े तो फिर ज़मीन पे आ पड़े, बस वही देखना है। इसका मतलब घन अगर है तो यहाँ पे 3 होना अनिवार्य है, अन्यथा ये वर्गमूल मान लिया जाएगा, घन नहीं होगा। अब ये 8 का आप गुणनखंड कर लो, गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर कर लो। तो आपको पता है इसका फैक्टर 2 × 2 × 2 आएगा, और 3 3 का पेयर बनाते हैं। 3 3 का पेयर का मतलब 3 3 डिजिट का पेयर बनता है। तो एक पेयर से मतलब 1 पेयर से 1 नंबर बाहर आता है, और यही क्या होता है, आंसर कहलाता है। यहाँ पर आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे, मैंने यहाँ 2 से शुरू किया था 8 तक गए थे, यहाँ 8 से शुरू किया था 2 तक गए। ये होता है घन और घनमूल में अंतर। अब आपको PBR स्टडी की क्लास में और अन्य YouTube या फिर ऑफलाइन उपलब्ध क्लास में अंतर समझ में आ गया होगा कि आप PBR स्टडी की क्लास को क्यों देखें, है ना। चलिए आगे साथियों, आपकी सुविधाओं को हम दिन प्रतिदिन अपडेट कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि आप किसी भी प्रकार की क्लास की क्वालिटी से समझौता ना करें। कहीं कोई गलती है, मानवीय त्रुटि है, क्लास में कोई कमी है, आवाज़ में या क्वालिटी में, आप निसंकोच कंप्लेन करें। 24 घंटे के अंदर हमारी कोशिश होगी कि आपकी कंप्लेन का कुछ ना कुछ निवारण किया जाए। अगला नंबर मैंने लिख दिया 3 का क्यूब। इसका मतलब ये होता है, और 3 3 का 9 नहीं होगा, ये 27 हो जाएगा, 27। कैसे, 3 3 जा 9 3 जा 27। इधर आप नंबर पकड़ लो 27 जो आया था, इसी को इसका क्यूब कर लो, फाइनल में आपको मिल जाएगा ये। देखिए 3 × 3 × 3, 3 3 का फेयर बना दोगे फिर 3 आ जाएगा आंसर। तो ये हुई ना बात घन और घनमूल वाला। अब ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं फटाफट, कुछ बड़े मैटर करते हैं, अभ्यास प्रश्न में आ जाते हैं।
सवाल आपके सामने आ चुका है एक्सरसाइज का। वीडियो की क्वालिटी को सेटिंग से चेंज कर लीजिएगा, एकदम मस्त दिखेगा। फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर। क्यूब मतलब होता है घन, इन संख्याओं का घन प्राप्त करना है। तो साथियों घन कैसे प्राप्त करते हैं, जो भी नंबर का घन लिखना है उसको लिखेंगे 7 का घन = 7³। ठीक ना, फिर क्या करेंगे, इसकी 3 घात का मतलब होता है 7 × 7 3 बार, 7 × 49 = 743। यानी कि 7 का घन कितना आ गया, 343। इसी तरह से 12 का घन करेंगे, लिखेंगे 12 का घन = 12³, मतलब 12 का क्यूब, या फिर इंग्लिश में ऐसे लिखोगे क्यूब ऑफ 12 = 12³। फिर नीचे क्या करोगे, इसको डिस्क्राइब कर दोगे 3 बार, यानी कि 3 टाइम, तो 12 बार हम में 144, ऐसे भी बोल सकते हो 12 × 12 = 144। फिर इसका सबका एक में मिला करके मल्टीपल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48, और फिर 12 × 4 = 48, और उसमें अगर आप कितना ऐड करोगे 4, तो 48 में 4 ऐड करोगे, 52 का 2 कैरी हो जाएगा 15, 12 × 1 = 12, 12 में 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 27, ऐसे कुछ आएगा कि नहीं, करके देख लीजिए, नहीं आएगा तो बताना, तुरंत फिर से आगे करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए 12 हो जाएगा, 12 × 27, 12 × 12 मतलब 12 × 12। ये देखिए इंग्लिश और हिंदी कुल मिला करके आधा तिहाई ये किया जा रहा है, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। मैं आपको एक डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग को नहीं समझ में आएगा, मुझे भी गड़बड़ हो रहा है। ये देखो 12 का 12 में किया तो क्या आया, 144 आया, 144 आया ना, और फिर क्या करोगे, इसका गुणा करना है 12 × 4 = 48। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे लिखते हैं 48, कितना आया कैरी 4 आया, 12 × 4 = 48, 48 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 52 का 2 कितना आया कैरी, कितना आया 12 × 4 = 48, 5 आया। फिर 12 × 12 में 5 ऐड करोगे 17, इस तरह से ये 17 और 28 आएगा। बात समझ में आई ना, अगर कहीं कुछ भी संकोच लगता है तो निसंकोच कमेंट करना। देखिए डिस्क्राइब करके लगाना और फिर वैसे शार्ट में लगाना अंतर होता है। दूसरा नंबर हम आपको हमेशा हिंदी में ही बताते हैं, चूँकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट काफ़ी कम हैं। उस तरह से इसका भी करेंगे, क्यूब ऑफ 17, क्यूब ऑफ 17 = 17³। 3 घात को क्यूब ही बोला जाता है। 3 बार गुणा कर लीजिए, बस हो गया, करके देख लीजिएगा, नहीं तो बताइएगा, करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, आप जानते हो कि 17 का 17 में गुणा करते हो तो कितना होता है, 289 के आसपास होता है ना, 289 है ना, तो ये फाइनल में 49³ आएगा। आगे चलें, ये हो गया अभ्यास का 3A, यानी कि एक्सरसाइज 3A। आगे देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है -5/9 का घन क्या है। एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -5/9 का घन। देखिए घन का मतलब होता है कि 3 घात, तो -5/9 का 3 घात कर दीजिए, तो ये फाइनल में -5/9 × -5/9 × -5/9, 3 बार गुणा कर लोगे, 5 × 25 = 125 है ना, बात समझ रहे हो, तो माइनस माइनस ये सब हो जाएगा, -125, 9 × 9 = 81, 9 × 7 = 29, इसलिए कितना आएगा, माइनस का 125 × 5 = 729, नोट कर लीजिए। अगर अगले सवाल में चलते हैं, तीसरा नंबर में कुछ संख्या दी गई है जिनका कह रहा है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं, पूर्ण घन हैं। तीसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 3, उसके पहले अगर अभी तक आपने PVR स्टडी इलाहाबाद को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इतना अवश्य करिएगा। अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे PVR स्टडी के फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली क्लासें मिल सकें। कौन कौन संख्या पूर्ण घन है,
देखिए पूर्ण घन का मतलब होता है परफेक्ट क्यूब। नंबर जो दिए गए हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, नंबर कौन कौन से हैं नोट करिए। 64, 2116 पहला नंबर है 64। देखिए ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना होता है, इनके फैक्टर करने होते हैं। ये फैक्टर करना सभी जानते हो है ना, टू और टू। फैक्टर करने के बाद थ्री थ्री का पेयर बनाते हैं। ये अगर कंप्लीटली पेयर बन जाता है, कोई भी नंबर नहीं बचता है, तो मतलब वो परफेक्ट क्यूब है। देखो इसमें एक दो बाहर आएगा, एक दो यानी कि दो दूना चार। फाइनल में इसका क्यूब कितना आ गया, 64 का 4 आ गया। यहाँ पर कोई नंबर नहीं बच रहा है, यानी कि 64 क्या है, ये पूर्ण घन है। लिख दो ये पूर्ण घन है। अगला अगर एक नंबर बात करें दूसरा, देखिए एग्जाम्पल के लिए किताब में 216 दिया गया है। आप जानते हो 6 छंग 36 छक्का 216 होता है, तो 216 भी पूर्ण घन है। एक एग्जाम्पल हम आपको नया नया दिखा दें यहाँ पर सी नंबर में। जैसे अगर हमें ट्राई करना है कि 28 ये पूर्ण घन है कि नहीं है, चलिए इसको ट्राई कर देते हैं, दिखा देते हैं। 2 से काटोगे 14 आएगा, 2 से काटोगे 7 7। देखिए इसका अगर हम तीन तीन नंबर का पेयर बनाने की कोशिश करें तो नहीं बनेगा। कुछ लोग कह रहे होंगे बन तो रहा है बनाए लो ना, ऐसे नहीं होता है। मतलब एक समान नंबर होने चाहिए, यानी कि टू टू है ये भी टू ही होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि बकरी की झुंड में बकरा की ही जोड़ी अच्छी लगती है, उसमें एक शेरनी खड़ा कर देंगे तो खा जाएगी दोनों को, ठीक ना। और अगर शेर शेर की झुंड है तो उसमें बकरा नहीं खड़ा होगा बीच में, ठीक ना। तो उस तरह से इनका जोड़ी नहीं बनेगी। कुल मिला करके अगर इसका आप क्यूब करना चाहोगे तो किसी भी तरह से नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये क्या है, ये पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 28 के गुणनखंड करने पर प्राप्त गुणनखंडों के तीन तीन के जोड़े नहीं बनाए जा सकते। इसी तरह से कुछ संख्याएं हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप लोग इनको करके लाना और फिर बताना कि हाँ कितना आप पढ़े हो। देखिए कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं बताना है। पहला लिख लो 216, 343, 900, 1728, 815 और 326। कमेंट करके बताना कौन कौन संख्या पूर्ण घन है, फिर हम बताएंगे आपको। इसके बाद अगर अगला चलें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास 3 का B। 3 का B में क्या कह रहा है, कह रहा कि 8 तथा -8 के घनमूल, -8 तथा 8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। देखिए सवाल बहुत ही मज़ेदार है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आप लोग अनुमान लगा लोगे। ये एक्सरसाइज 3B, 3 का B शुरू हो चुका है। पहला सवाल 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। देखिए पहले कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए पहले निकालो तो घनमूल। घनमूल आप निकालोगे सभी को पता है, इस तरह का करोगे क्या आएगा, 2 -8 का करोगे, ये -2 गुणा -2 गुणा -2। फाइनल में इसका क्या आएगा, -2। देखिए साथियों कोई भी संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें माइनस लग गया तो वो छोटी हो जाती है, ठीक ना। माइनस में जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही क्या मानी जाती है, छोटी हो जाती है। जैसे कोई इंसान कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है या फिर उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो फिर उसका क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें बड़ा अगर बोलें तो 2 बड़ा है, -2 छोटा है, ठीक ना, बात समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। अब आप लोग बताइए संख्या क्या है, 32।
बत्तीस मतलब कि 32। क्वेश्चन नंबर अगला है 32। अब शांत रहिए थोड़ी देर तक। क्वेश्चन लिखिए 32 का मतलब 3B का तीसरा। 32 को किस लघुत्तम मतलब होता है छोटी से छोटी, ठीक है, लघुत्तम संख्या से गुणा करें कि क्या हो जाए, संख्या पूर्ण घन हो जाए। अब आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं और बताइए। सिंपल सी बात है, 32 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि कह भी रहा है क्वेश्चन में और है भी नहीं है। तो पहले इसका हम फैक्टर निकालेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा। आप फैक्टर निकालोगे तो देख पाओगे कि यहाँ पर क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ये देखिए, है ना, देखिए अब क्या होता है। ये सब हो गया, कट पिट गया, है ना। 2 16 आ गया, 2 से काटा 8 आ गया, फिर 2 से काटा 4 आया, 2 से काटा 2 आया, 2 से काटा 1 आया। यहाँ पर अगर हम इसको पूर्ण घन बनाना चाहें, देखिए तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं, क्या हो रहा है, एक जोड़ा तो बन गया, दूसरा नहीं बन रहा तीन तीन का, है ना। इसको यहाँ पर अगर लिख लें तो आप पाओगे ये 32 में 2 और ये 2। देखिए तीन तीन का एक जोड़ा तो बन गया, दूसरा कम पड़ रहा है। मतलब इसमें एक कौन सी ऐसी एक गिनती और होनी चाहिए जिससे कि तीन तीन के जोड़े बनाए जा सके। आप देख रहे होंगे 2 पूरा है, यहाँ पर 2 में 1 2 कम है। मतलब अगर 1 2 और होता तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाती, है ना। तो क्या होगा, वो कौन सी संख्या हो सकती है, 2। यानी कि अगर हम इसमें 1 और 2 का गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन हो जाएगी। अब नीचे लिखिए, अतः तो बाद में आप लिखेंगे, लिखिए 32 के गुणनखंड करके एवं तीन तीन के जोड़े बनाकर हमने देखा कि 1 2 1 2, ऐसे अजीब सा लग रहा है ना, एक अंक ब्रैकेट में 2 कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, जिससे 32 पूर्ण घन संख्या नहीं बन पा रही है। अतः यदि हम 32 में 2 का गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। बस यही तो कहना था। इस बात को आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे बोला वैसे ही लिखो, ठीक ना। बस कुल मिला के मतलब समझ लो कि इसमें करना क्या था। आगे चलें। तीसरा में कह रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है, कौन सी संख्या पूर्ण घन है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था, जो आप लोग समझ ही चुके हो। तो इसमें यार घनमूल भी निकालना है, अभी तो बहुत कुछ है। लिखिए आप लोग जल्दी से फटाफट, साथ में हमारे लिखते चलिए। ये तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा 10 की NCERT मैथ आप देख रहे हैं, ठीक ना। ओ सॉरी, कक्षा 10 नहीं, कक्षा 8 की। कक्षा 10 का तो 8 बजे से होता है। लिखिए कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तीसरा कौन सी संख्या पूर्ण घन है। शायद इस पर कुछ टॉपिक अभी आप देख चुके हो क्या, कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पहला नंबर है 432, दूसरा नंबर है 729 और तीसरा है 13824। इन सभी के घनमूल निकालने हैं। अगर पूरा पूरा घनमूल आ जाएगा अच्छी तरीके से तो ये पूर्ण घन है, अगर नहीं आएगा तो पूर्ण घन नहीं है। तो बस सिंपल सी बात है, आप लोग कर लो फटाफट। 429 सॉरी 432, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, ये तो कर ही सकते हो सभी लोग, फैक्टर करना सभी को आता है ना। ये देखो
देखिए साथियों, इसमें अगर इसका घनमूल निकल जाएगा तो पूर्ण घन है, नहीं निकलेगा तो नहीं है। तीन तीन का पेयर बना लो, ये देखो बन गया, नहीं बना, एक दो बेचारा अकेले छूट जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। देखते हैं सही काटा है मैंने। 432, दो सौ सोलह, सब ठीक है। देखो एक दो इसमें बच जा रहा है ना, जोड़ा नहीं बन रहा है। नीचे लिखेंगे चूंकि 432 के गुणनखंड करके हमने देख लिए, इस संख्या में तीन तीन अंकों के जोड़े नहीं बनाए जा सकते, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। अगला नंबर ट्राई करेंगे 729, 729 ट्राई कर लो। इस तरह से आप लोग घर से होमवर्क भी करेंगे ढेर सारा, ठीक ना। 729 अगर गौर करिए तो ये एक विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। तो विषम संख्या विषम से ही कटेगी, या तो ये तीन से कटेगी, या पाँच से कटेगी, या सात से कटेगी। 7 × 49 = 343 होता है, 3 × 9 = 27 होता है ना, 9 × 81 = 729 होता है। पहले तो आपको याद होना चाहिए सब। तो इसको अगर आप सात से काटोगे, देख लो 7 × 7 7 × 28 नहीं कटेगा, 3 × 5 से भी नहीं कटेगा, ये 9 से कटेगा। इसके लिए आपको छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 9, फिर 9 × 9 = 81। देखो इसके जोड़े बन गए ना, बन गए, यानी कि 9 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब आप लिख सकते हो कि संख्या 729 के गुणनखंड अर्थात फैक्टर करके हमने देख लिए, जिसमें हमने तीन तीन के जोड़े बनाए और बन गए, अतः यह संख्या पूर्ण घन है। अब आपको कुछ हम संख्या दे रहे हैं, जैसे कि 13829, इनको आप लिखना और बताना कि ये पूर्ण घन होंगी या नहीं होंगी, होमवर्क करना। जैसे जैसे हमने रूल बताए हैं वैसे करना, चाहे आपका सवाल चेक हो या ना हो, लेकिन आप खुद मास्टर बन सकते हो। 512, 280, 618, 343, 720, 815, इन संख्याओं को चेक करना कि ये पूर्ण घन है या नहीं है, ठीक। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी PVR स्टडी की जो जीरो लेवल की मैथ है, वैसे तो आप यूट्यूब पर सभी फ्री में नहीं देख पाते हो, लेकिन फेसबुक पर हम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आए हैं, जहाँ पर अगर आप PVR स्टडी को लाइक करके फॉलो करते हो तो वहाँ पर आपको लगभग में 80% तक की क्लास सभी बिल्कुल फ्री मिलती है। मतलब कि अगर आप ज्वाइन ना भी करो तब भी आप लगभग कुछ वहाँ पे देख सकते हो, ठीक ना। लेकिन YouTube पर ये क्लासें मात्र 60 से 70% तक मिलती हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, कम्प्लीटली पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में मैथ सीखना चाहते हैं, यानी आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, आप एकदम से क्या हैं, मैथ से अनजान हैं, बुद्धू नहीं बोलेंगे, आप बुद्धू नहीं हैं, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन प्रॉब्लम की बात क्या है कि शुरू से आपको सिखाया नहीं गया, या फिर किसी कमी के कारण आप नहीं पढ़ पाए, तो वो कमी अब आप यहाँ से पूरी कर सकते हैं और हमारे साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ पढ़ सकते हैं, जिसमें हम आपको क्लास फर्स्ट से मैथ सिखाते हैं, फर्स्ट ग्रेड से। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, ये व्हाट्सएप का नंबर है, ये फ़ोन पे गूगल पे का भी नंबर है, इस पर आप हमें हर तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। ये जीरो लेवल की कंप्लीट मैथ के लिए आपको इस समय दिवाली के टाइम पर विशेष छूट चल रहा है, मात्र 549 में आप ज्वाइन कर सकते हैं कक्षा 8 तक की पूरी मैथ, यानी कि क्लास फर्स्ट लेकर क्लास 8 तक की पूरी मैथ सिर्फ 549 में। सभी क्लास आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पर उसको सैटरडे संडे को क्लियर किया जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई कमी है क्लास में तो कमेंट करके बताइएगा और इस क्लास को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलते इन्हीं बातों के साथ, जय हिंद। अगली क्लास देखिएगा 6 बजे से, DLED का क्लास होगी आज थर्ड सेमेस्टर, और 6:30 बजे से फर्स्ट सेमेस्टर, 7 बजे से टेट सीटेट RRB SSC की क्लास होगी कंपटीशन के लिए, 8 बजे से कक्षा 10 की NCERT मैथ होगी। ये सभी शेड्यूल हमने एक शब्द में बता दिए आपको, क्योंकि ये जस्ट बाद होने वाले हैं, तो भूलना मत, देखना सभी क्लास को। शुक्रिया।